वर्धा में कृषि मंत्री कमल पटेल के द्वारा देश की जानी मानी कथावाचिका सुश्री जया किशोरी जी की 7 दिवसीय भागवत कथा आयोजित की गई। कथा के समापन दिवस पर मंगलवार को मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत हरदा में 133 कन्याओं का विवाह समारोह जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कथा स्थल पर पहुंचे और उन्होंने नव दंपतियों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, कृषि मंत्री कमल पटेल, सांसद दुर्गादास उइके, जिला पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र शाह, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती राजू कमेडिया, कमिश्नर श्रीमन शुक्ला, पुलिस उप महानिरीक्षक जगत सिंह राजपूत, कलेक्टर ऋषि गर्ग, जिला भाजपा अध्यक्ष अमर सिंह मीणा सहित विभिन्न अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री चौहान ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि मानव जीवन का लक्ष्य है परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सनातन धर्म में भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग व कर्म मार्ग बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा व लगन से बिना किसी फल की इच्छा से ईमानदारी से करें तो इस कर्म मार्ग के माध्यम से भी परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर जिन नव दंपतियों को मुख्यमंत्री चौहान ने मंच से नीचे उतर कर आशीर्वाद प्रदान किया उनमें अंशिता शुभम सोनी, पूर्णिमा अखिलेश, नेहा रवि माली, राधिका महेंद्र, शिवानी राहुल, प्रियांशी आशीष, मेघा पंकज, किरण जितेंद्र, रजनी करण, भारती इंदर तथा भूरी गजराज शामिल है। सामूहिक विवाह सम्मेलन में नव दंपतियों को जिला प्रशासन द्वारा जो उपहार भेंट किए गए उनमें 11,000 रुपए राशि का चेक, रंगीन टीवी, रेडियो, दीवार घड़ी, पलंग, प्रेस, एक गद्दा सहित अन्य उपहार दिए गए। लेकिन मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति।
कथाकारों ने बताया है, एक मार्ग है ज्ञान मार्ग। जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं वो सत्य ज्ञान जगत को जनता को देने का प्रयास करते हैं। हरदा से दोपहर न्यूज के लिए सुनील मालाकार की रिपोर्ट।